उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में नो एंट्री में चार पहिया वाहन ले जाने से मना करने को लेकर पिकअप कार सवार महिला ने पुलिस की महिला पीआरडी जवान से मारपीट शुरू कर दी। यही नहीं, पुलिस चौकी के सामने मारपीट की घटना को देखकर मौके पर पहुंचे पुलिस दरोगा पर महिला ने हमला कर दिया। महिला ने पुलिस दरोगा का हाथ मुंह से काट लिया। दिन दहाड़े पीआरडी जवान महिला से मारपीट और दरोगा पर जानलेवा हमले को लेकर भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर महिला को हिरासत में ले लिया। मामला महोबा जिले में शहर कोतवाली क्षेत्र की सुभाष पुलिस चौकी का है। महोबा कोतवाली की सुभाष चौकी के बाहर रिंकी सिंह नामक पीआरडी जवान महिला नो एंट्री एरिया में ड्यूटी कर रही थी, तभी एक पिकअप कार में एक बच्ची के साथ राधा नाम की एक महिला जा पहुंची। नो एंट्री होने के बाद भी महिला पिकअप कार को अंदर ले जाने की जिद करने लगी। पीआरडी महिला जवान ने जब उसे वाहन ले जाने से मना कर दिया तो महिला ने उस जवान से मारपीट की। पीआरडी महिला जवान रिंकी का कहना है कि महिला ने पुलिस चौकी के सामने मेरे साथ मारपीट की। घटना को लेकर चौकी में बैठे दरोगा विनोद सिंह ने मुझे बचाने का प्रयास किया था तो महिला ने अपने मुंह से उनके हाथ को काट लिया। यहाँ से पिकअप निकलने लगी, नो एंट्री में आने की यहाँ आ गई, सामने तक हमारे हम उसको बैक करने लगे। बैक करने में तुरंत महिला आ गई। महिला आने के बाद हमसे कह रही है कि यहीं से जाएगी, यहीं से जाएगी। हमने उसको बैक किया, वो पीछे करके वो एकदम से हमसे लड़ने लगी, हाथ पहिया करने लगी। इतने में पब्लिक के आदमी जुड़ गए, फिर उन्होंने हमें बचाया। क्या उसने मारा भी आपको? बिल्कुल मारा है। अब कहाँ है वो महिला? महिला चौकी पे बैठी है, वहाँ से दरोगा जी भी आ गए, उन्होंने बीच बचाव करने लगे और एकदम से वो काट लिया दरोगा जी के भी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार ने बताया कि आरोपी महिला को हिरासत में लेकर मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और मामले की जांच कर रहे हैं। ये थाना कोतवाली के सुभाष चौकी क्षेत्र में एक महिला के द्वारा बदतमीजी करना और हथियारी जो हमारी महिला कर्मी थी उसके साथ हाथापाई करने का एक वीडियो वायरल हुआ है। एक जो टेम्पो था वो पार्किंग जोन में खड़ा था, ऐसे को हटाने के लिए महिला पीआरडी द्वारा कहा गया तो उनके लिए महिला जो खड़ी थी उसके द्वारा महिला पीआरडी करने से बचाने दी गई और उसके साथ हटा दी गई। बाद में चौकी इंचार्ज जो प्रभारी चौकी इंचार्ज थे विनोद सिंह, उनके आने के बाद उनको वहाँ से हटवाया गया तो बाद में उनके हाथ से भी लड़कों से काट रहा है। पुलिस इसमें अपना जो विधिक कार्रवाई है वो करते हुए महिला के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। फिलहाल महिला को हिरासत में ले लिया गया है और साथ ही महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। महोबा से नाहिद अंसारी की रिपोर्ट। तक